झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र खिचड़ के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस नेता अब चुटकी लेने में भी नहीं हिचक रहे हैं। आज झुंझुनू में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि नरेंद्र कुमार के भाषण पर इतना कहना चाहते हैं कि जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी अचंभा हुआ कि भाजपा ने 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराने वाली सांसद का टिकट काटकर 3 महीने पहले भाजपा में शामिल हुए विधायक को टिकट दे दी जो भाषणों में शराब और जुए की बातें करता है। उन्होंने कहा कि वे भी कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं लेकिन पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी एकजुटता से उन्हें चुनाव जिताएंगे। आपको बता दें कि श्रवण कुमार अपने टिकट को लेकर आश्वस्त है। यही कारण है कि आज उन्होंने झुंझुनू में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के जरिए अपनी मजबूत दावेदारी फिर जताई। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है चाहे ईद हो चाहे होली हो, सब लोग एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाने के लिए स्नेह मिलन होता है। तो ये होली स्नेह मिलन है, एक दूसरा का प्यार और मोहब्बत बढ़ता जाए और अपनी सभी बातों को सुन करके एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत दे सके। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था होली स्नेह मिलन। कांग्रेस की टिकट जो भी हमारे राहुल जी जिसको भी देंगे उसके साथ हम काम करेंगे और उनके आदेश की पालना करते हैं। कांग्रेस में सब एक भावना के साथ काम करते हैं, ये हमारी कांग्रेस की परंपरा रही है। और जिसका भी टिकट में नाम ऊपर आ जाएगा रात को कल परसों जब भी डिक्लेयर होगा उसके साथ हम एकजुट होकर लग जाएंगे और कांग्रेस को विजय करेंगे। जैसा कहे अन्न वैसा हो जाए मन, वो ऐसी चीज़ करते हैं तो ऐसी बात करेंगे। उनके बारे में भी वही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। उन्होंने सोच के दिया होगा टिकट, हम तो क्या बता सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा योग्य उम्मीदवार सोचा होगा, संतोष जी काटी होगी उनको दिया होगा। संतोष जी 2.5 लाख जीती थी फिर उसका टिकट काट दिया और ये एक बार निर्दलीय रूप में जीता था 3 महीने पहले बीजेपी में सम्मिलित हुआ है और उन्हें क्या सोचा है वो तो बीजेपी वाले बताएंगे, हम तो क्या बता सकते हैं। हम कांग्रेस के कल्चर के आदमी हैं ना कि बीजेपी कल्चर के आदमी, हम जो कांग्रेस के कल्चर की बातें वो कर सकते हैं, बीजेपी कल्चर की बात तो वही करेंगे जिनको कल्चर के बारे में जानकारी हो। मैं कांग्रेस का इतना बड़ा प्रत्याशी नहीं हूँ जो मैं किसी को कांग्रेस में मिला सकता हूँ निकाल सकता हूँ। मैं कांग्रेस का एक सिपाही के रूप में काम करता हूँ और मैं राहुल गांधी और हमारे सचिन जी पायलट और हमारे अशोक जी गहलोत की एक फौज का एक छोटा सिपाही हूँ जो उनके आदेश की पालना करता हूँ। इतना तक मेरा काम है। कांग्रेस में कौन आएगा कौन जाएगा किसको लेना है वो काम उनका है। और शिक्षा का बहुत इतना बड़ा जिला है जो सेजू का जिला है, सैनिकों का जिला है, इस जिले में बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय श्री श्याम जी ओरा जी के जो कुछ काम बाकी रह गए थे उनको हम पूरा करेंगे और आम नागरिक गरीब की बात सुन करके हमको चाहते हैं कि हमारे समाज के में से जो बुराइयाँ हैं वो दूर करेंगे। और हम चाहते ये भी हैं कि जो आदमी राजनीति के मिलने से अभाव रहा लोगों का, सब लोगों से प्रजातंत्र का जो भाषा है प्रजा और तंत्र साथ साथ मिलकर काम करें वो हमारा प्रारूप है। नहर नहीं चल रही है, वो केवल पानी पीने की व्यवस्था हो रही है। हम चाहेंगे हमारे ज़िले में पानी की नहर भी आए और पानी की जो अभाव है तो सब जिलों में नहीं केवल एक ही कोशिश में नहीं हुआ कि झुंझुनू में और मंडावा में हुआ है। अभी हमारा सूरजगढ़ है, वाणा है, आपका सूरजगढ़ है, चिड़ावा है, ये सभी पानी के अभाव में बाकी हैं। उठाया जा रहा है कि लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, वो यही काम करते हैं जो यही सलाह देंगे लोगों को। हम नहीं करना चाहते किसी की बुराई नहीं करना चाहते, हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा विकास, हमारा मुद्दा और झुंझुनू जिले की जनता को प्यार और स्नेह और जनता के साथ मिलकर काम करने का मुद्दा है। ये शराब पीना और ये जुआ खेलना हमारा काम समर्थक हैं। रोड़ा जी ने हमें हमेशा इनके सानिध्य में काम किया है। हमारा कोई गुट नहीं है, गुट हमारा एक ही है, राहुल गांधी, सचिन पायलट और हमारा अशोक गहलोत। हमारा कोई गुट नहीं है, केवल एक ही गुट है और सब मिलकर के काम करेंगे। ये लोगों की भावना हो सकती है, हमारी भावना नहीं है। गुट एक ही है, उसका नाम है कांग्रेस।